हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज है हमारा डे टू रेसिस्टेंस बैंड होम वर्कआउट सीरीज़ का, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बैक वर्कआउट विद ओनली रेसिस्टेंस बैंड। आपको सिर्फ 300 से 400 रुपये खर्चने हैं और आपकी बैक ट्रेन हो जाएगी ओनली विद रेसिस्टेंस बैंड के साथ। कल की हमारी पहली वीडियो आ चुकी है, जिसके अंदर मैंने आपको चेस्ट का वर्कआउट बताया था कि किस तरीके से आप लोग अपनी चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख लेना रेसिस्टेंस बैंड वर्कआउट सीरीज़ के अंदर। तो चलेगा, जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होने वाली है रेसिस्टेंस बैंड के साथ बैक को ट्रेन करने के लिए, वो है आपकी रेसिस्टेंस बैंड वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन विद रेसिस्टेंस बैंड। करने का तरीका यहाँ पे देख लें, तो इस तरीके से आपको वाइड हैंड पकड़ना है रेसिस्टेंस बैंड को और ऐसे आप लोगों को अपनी तरफ इसको खींचना है। बिल्कुल स्लोली फॉर्म के अंदर आप लोगों को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और याद रखना कि गाइस, आप लोगों को जो रेपिटेशन रेंज है वो कम से कम 25 से 30 रखनी है, और इस तरीके से आप लोग अपनी बैक को फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी। सो गाइस, अब करने वाले हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज आपकी रहेगी क्लोज ग्रिप रेसिस्टेंस बैंड पुल डाउन। करने का तरीका यहाँ पर देख लें, आप लोगों को कुछ इस तरीके से बैंड को पकड़ना है और ऐसे परफॉर्म करना है। पूरा नीचे आना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड, देन उसके बाद आपको रिलीज़ करना है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके आपको लेने हैं 3 सेट। एंड रेपिटेशन रेंज आपकी होनी चाहिए कम से कम 25 से 30। रेपिटेशन रेंज आपको हाई ही रखनी पड़ेगी, तभी आपकी जो बैक है वो अच्छे तरीके से पंप हो पाएगी। गाइस, दिस इज योर थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज आपकी रहेगी स्ट्रेट आर्म रेसिस्टेंस बैंड पुल डाउन। करने का तरीका यहाँ पे देख लें, तो इस तरीके से आप लोगों को रेसिस्टेंस बैंड को पकड़ना है और ऐसे परफॉर्म करना है। थोड़ा आगे की तरफ रहें, देन उसके बाद इस तरीके से पूरा आपको नीचे जाना है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी थर्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप लोगों को 3 सेट लेने हैं और रेपिटेशन रेंज आप लोगों की होने वाली है कम से कम 25 से 30। बिल्कुल स्लोली फॉर्म के अंदर आप लोगों को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज या आपकी बैक को चौड़ा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो गाइस, दिस इज़ योर फोर्थ एक्सरसाइज। जिनको मसल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है, वो लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। रेसिस्टेंस बैंड सिंगल हैंड साइड लैट पुल डाउन करने का तरीका यहाँ पर देख लें। रेसिस्टेंस बैंड के साथ करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों को रेसिस्टेंस बैंड पकड़ लेना है और ऐसे परफॉर्म करना है, इस तरीके से ऐसे भाई करके देखना। आइसोलेशन एक्सरसाइज है और आपकी बैक का एक साइड जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पंप होगा। तो दोनों साइड आप लोगों को सेम ऐसे ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज आप लोगों की बैक को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेन करेगी। सेट आपको लेने हैं 3 एंड रेपिटेशन रेंज आप लोगों की होनी चाहिए कम से कम 25 से 30। गाइस, दिस इज योर फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज आप लोगों को परफॉर्म करनी है सीटेड या फिर स्टैंडिंग रेसिस्टेंस बैंड रो। करने का तरीका यहाँ पर देख लें, सिंपल से तरीके से आप लोगों को रेसिस्टेंस बैंड को अपने पैरेलल रख लेना है। ऐसे खड़े को भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लोगों को अपनी तरफ खींचना है रेसिस्टेंस बैंड को। तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आपके जो विंग्स हैं, आपकी जो बैक है, उसके अंदर कटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी और बैक को चौड़ा करने में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आप लोगों की होने वाली है। और इस एक्सरसाइज के आपको लेने हैं कम से कम 3 सेट एंड रेपिटेशन रेंज आप लोगों की होनी चाहिए 30 से 35 आप लोगों को रेपिटेशन रेंज जरूर रखनी है। तो ये 5 एक्सरसाइजेस मेन है। एंड हाँ गाइस, इस एक्सरसाइज को अपनी बैक के अंदर जरूर ऐड करना रेसिस्टेंस बैंड रो। तो ऐसे आपको परफॉर्म करना है। ये देख लो, सिंपल सा तरीका, ये आपकी पोजीशन होने वाली है। और ऐसे सिंगल आर्म के साथ भी आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से, और डबल के साथ भी, तो दोनों के साथ ऐसे की जाती है गाइस बैक। तो गाइस, अब हम लोग करने वाले हैं अपनी अपर बैक को ट्रेन, जिसके अंदर आपके ट्रेपीजियस मसल आएंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आप लोगों को परफॉर्म करनी है, जो कि 6th एक्सरसाइज होने वाली है, अपर राइट रो विद रेसिस्टेंस बैंड। अपर बैक को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो 3 एक्सरसाइजेस बताऊँगा। सबसे पहले अपर राइट रो, जो कि कुछ इस तरीके से आप लोग रेसिस्टेंस बैंड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। नीचे अटका लें रेसिस्टेंस बैंड को पैर के, और इस तरीके से आप लोगों को अपर राइट रो करनी है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे पहली और 6th एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि अपर बैक को ट्रेन करेगी, आपके ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइस, अब करने वाले हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, मतलब कि 7th एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों की अपर बैक को और आप लोगों के लोअर ट्रेपीजियस मसल को और मिडल ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। पुल अपार्ट करने का तरीका जहाँ आप देख लें, इस तरीके से आप लोगों को रेसिस्टेंस बैंड को पकड़ लेना है और उसके बाद आप लोगों को
ऐसे परफॉर्म करना है जो कि आपके शोल्डर ब्लेंड को भी साथ में ट्रेन करेगी। तो ये है आपकी सातवीं एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज जो कि अपर बैक को ट्रेन करने में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करने वाली है। तो गाइस अब करने वाले अपनी थर्ड मतलब कि आठवीं और लास्ट एक्सरसाइज, देन उसके बाद हम लोग अपनी लोअर बैक को ट्रेन करेंगे। तीसरी और आठवीं एक्सरसाइज आप लोगों की होने वाली है रेसिस्टेंस बैंड श्रग। करने का तरीका यहाँ पर देख लें, इस तरीके से आप लोगों को नीचे रेसिस्टेंस बैंड रख लेना है और ऐसे परफॉर्म करना है। तो आप लोग देख लेना, यह है आपका सिंपल सा तरीका इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का, जिससे आपकी अपर बैक भी ट्रेन होगी और साथ ही साथ आपके जो ट्रैप्स है वो भी ट्रेन हो जाएंगे। तो गाइस लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए आप लोगों को परफॉर्म करना है रेसिस्टेंस बैंड डेडलिफ्ट। करने का तरीका यहाँ पर देख लें, इस तरीके से आपको रेसिस्टेंस बैंड नीचे रख लेना है, ये सिंपल सा तरीका है, पैरों के नीचे और ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, देन आपको ऐसे आना ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा रेसिस्टेंस बैंड डेडलिफ्ट। तो इस तरीके से आप लोग डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं रेसिस्टेंस बैंड के साथ, जो कि आपकी लोअर बैक को मतलब कि इरेक्टर मसल को ट्रेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो गाइस ये था एक फुल बैक वर्कआउट विद रेसिस्टेंस बैंड, जिसे फॉलो करके आप लोग अपनी बैक को घर पे ट्रेन कर सकते हैं ओनली विद रेसिस्टेंस बैंड। बस आप लोगों को 300 से 400 रुपये खर्चने, आपकी पूरी बॉडी बन जाएगी ओनली विद रेसिस्टेंस बैंड और किसी भी इक्विपमेंट की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो गाइस यही थी मेरी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ गाइज वीडियो जाके जरूर देख लेना, चेस्ट वर्कआउट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चले गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।